वेलकम बैक फ्रेंड्स, समर डिजिटल पॉइंट पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप CSC से टिकट कैसे बुक करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम CSC की टिकट बुकिंग वेबसाइट पे आएंगे, जो कि है trainbooking.cscloud.in। अब यहाँ टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पेज को डाउन करेंगे और यहाँ पे पढ़ लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब टिकट बुकिंग विंडो ओपन हो जाएगी। फॉर्म में यहाँ पे स्टार्टिंग स्टेशन का नाम सेलेक्ट करेंगे और टू में जहाँ तक यात्रा करना है लास्ट स्टेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद ट्रैवल डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्लासेस सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, देन कोटा सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सभी ट्रेन्स की लिस्ट निकल के आ जाएगी जो उस रूट पे जाने वाली होंगी। अब यहाँ पे आपको जिस भी ट्रेन का टिकट बुक करना है उसके सामने सीट पे क्लिक करेंगे और अवेलेबिलिटी को चेक करेंगे। अब यहाँ पे जितनी सीट्स खाली हैं वो दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपको जिस दिन का भी टिकट बुक करना है उस पर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इस विंडो को हम क्लोज कर देंगे। अब पेज को नीचे डाउन करेंगे और यहाँ पे पैसेंजर्स डिटेल को एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे उसका टाइटल मिस्टर या मिस, उसके बाद उसका नाम और उसकी एज टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्री सेलेक्ट करने के बाद बर्थ प्रेफरेंस देंगे, देन ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम टाइटल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। उसके बाद पैसेंजर का नाम टाइप करेंगे, देन पैसेंजर का एज टाइप करेंगे। अब यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे इंडिया, और यहाँ पे प्रेफरेंस आप यहाँ से दे सकते हैं, हम नो ही रहने देंगे, और ऐड पैसेंजर पे क्लिक करेंगे। आप मैक्सिमम 6 पैसेंजर को एक टिकट में ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से बाकी सभी पैसेंजर्स की डिटेल को एंटर कर देंगे। अब अगर हमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। देन पैसेंजर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। अब यहाँ आप अदर प्रेफरेंस सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस को यस करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब हमने जितने भी पैसेंजर ऐड किए हैं उनके सभी की लिस्ट शो करेगी। उसके बाद पेमेंट करने के लिए पे पे क्लिक करेंगे। अब हम CSC पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे अपना CSC कनेक्ट का पासवर्ड एंटर करेंगे और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। फिर अपना वॉलेट पिन एंटर करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ पे अपना IRCTC का पासवर्ड एंटर करेंगे, नीचे OTP एंटर करेंगे और कैप्चा डाल के सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना पासवर्ड एंटर कर लेते हैं। अब जो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आया उस OTP को यहाँ पे एंटर करते हैं। उसके बाद हम कैप्चा टाइप कर लेते हैं, देन सबमिट करते हैं। अब थोड़ा प्रोसेस होगा और उसके बाद हमारा टिकट बुक हो जाएगा। तो हमारा टिकट बुक हो चुका है। अब आप इसका प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकाल कर कस्टमर को दे देंगे। तो इस तरीके से आप भी CSC का यूज़ करके IRCTC से टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।